कौन है जिसने तो अपने जाल में फंसा लिया है? कोई है? लेकिन लड़की नहीं है। मेरा काम, मेरा प्रोफेशन। आप ये समझ लीजिए कि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ शादी कर ली है, जो मैं जिंदगी भर निभाने वाला हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है, तेरे काम को हम अपनी बहू थोड़ी मान सकते हैं। माँ देखिए, ये आपकी मर्जी है, मुझे शादी नहीं करनी है और ये मेरा डिसीजन फाइनल है। भैया, तूने हमसे वादा किया था तू हमारी पसंद की लड़की के संग फेरे लेगा। माँ, मैंने कहा था अगर शादी करूंगा तो आपकी पसंद की लड़के के साथ शादी करूंगा, बट मुझे तो शादी करनी ही नहीं है ना माँ। और हमने जो लड़की वालों को जबान दे दी उसकी कोई वक्त ना है। ध्रुव, हमारी बात सुन। देख बेटा ध्रुव, हमने आज तक तुझसे कछु नहीं मांगा, हम तुझे खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर तूने कहा 7 समंदर पार कनाडा जाना है, तो हम मान गए। तो अब तुझे भी हमारी एक बात रखनी पड़ेगी, अपनी माँ के लाने इतना नहीं करेगा तू। आप जो बोलोगे ना वो मैं मान लूंगा, बस ये जो शादी है ना, शादी नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ, सॉरी। ध्रुव लल्ला, शादी करने में दिक्कत क्या है? ये चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव विवाह क्यों नहीं करना चाहते? वो तो करना ही होता है ना। इस युग में विवाह ना करने का भी विकल्प है क्या? ध्रुव, अगर तू कान सीधा ना पकड़ेगा तो हमें टेढ़ा पकड़ाने पड़ेगा। मतलब? तू कनाडा जाना चाहता है ना? हाँ। तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तू शादी करेगा तभी कनाडा जाएगा, बस। हाँ, अरे यार आ रहा हूं ना। अरे यार क्या है, आ रहा हूं ना। स्टाम्प पेपर पर साइन करके दूं क्या? फ्रेंड्स, हर समय शोर मचाना जरूरी है? भैया मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कब का बैंड बजवा रहा हूँ। अरे तू शोर नहीं, तुम्हारा दिमाग खा रहा है। अरे अपना काम करना है, एनेस्थेटिस्ट को रेडी रहने के लिए बोल रहा है। शादी के स्ट्रेस में सर्जरी कैसे करूंगा मैं? यार चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, तुम्हारा पाँव चोटिल है, इसमें घाव हो जाएगा। आइए तारा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना इलाज खुद कर लूंगा। बैठिए एक क्षण। ये क्या है, घास फूस ले आई तुम? अरे तुम रुको, उस ड्रॉर में ना वो दवा पड़ी है, वो लेकर आओ, इससे आराम मिलेगा, हमारा विश्वास कीजिए। आराम से जी आराम से। तुम्हारी माताश्री से वाद विवाद कर अच्छी अनुभूति नहीं हुई ना तुम्हें? माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवाने की जिद कर रही है और मुझे नहीं करनी शादी। तो फिर तय हुआ राजकुमारी तारा प्रिया का विवाह सेनापति सम्राट के साथ होगा। कल ही होगा। हम समझ सकते हैं कभी कभी अपनों के ही लिए अपनों के ही हृदय को पीड़ा देनी पड़ती। I hate it, पता है मेरी लाइफ में ना पहली बार मेरी माँ से लड़ाई हुई है और तब जब मुझे आज बहुत बड़ी सर्जरी करनी है। अरे यार हद हो गई है, तुम्हें पता कितना मुश्किल है ऐसे मूड के अंदर सर्जरी करना। अब मैं पेशेंट संभालूं या फिर अपना शादी का देखूं? मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए मन ही की प्रतीत। अर्थात संत कबीर कहते हैं जो मन से हारे वो सब हारे और जिनका मन अच्छा उनकी सब में जीत। इसलिए तुम भी अपना मन व्यतीत मत करो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव। हम समझते हैं एक स्त्री पुरुष के बीच विवाह का बंधन सबसे पवित्र बंधन होता है। ऐसे में उसमें किसी प्रकार का दबाव जोर जबरदस्ती की मिलावट कर उस पवित्र बंधन को अपवित्र करना, उसकी पवित्रता को भंग करना अच्छा नहीं। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये विवाह नहीं करना चाहते और अपने लिए ये निर्णय लेने का अधिकार है, तुम्हें पूरा अधिकार है। हम जानते हैं तुम परेशान हो, हम भी परेशान हैं चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, परंतु समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। इसी तरह हम भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे शीघ्र ही। और आप भी प्रेम भाव से अपने परिवार को मना सकते हैं चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव। तू कनाडा जाना चाहता है ना? हाँ। तो तू शादी करेगो तभी कनाडा जाएगो, बस। ये तो मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैं ये बात ही ना फैलाती कि ध्रुव और तारा भाग गए हैं तो शायद चाची जी के मन में ख्याल ही नहीं आता ध्रुव की शादी का। एक बार पूछना तो चाहिए था ना। अरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं हम, ध्रुव का रिश्ता तय करने से पहले हमसे राय मशवरा करना चाहिए था ना सुशीला। और तू मुंह में दही जमा, सुशीला ने नहीं बताया, तू तो बता सकता था ना। ध्रुव और तारा को लेकर तेरे मन में जो फितूर है ना वो हमें पता है सुशीला। तुम्हें लगता है कि दोनों एक साथ भागे थे। तुम्हें लगता है कि ध्रुव और तारा के बीच में कुछ चल रहा है। ये सुशीला हाथ धो के ध्रुव के पीछे पड़ गई है जब से तारा इस घर में आई है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या शक का कीड़ा घुस गया है। नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। I'm sorry, मैं इस तरह बड़ों के बीच में बोल रही हूँ, पर मैं इस घर की बहू होने के पहले से जय और ध्रुव की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, कॉलेज टाइम से, और ध्रुव की तो हॉस्पिटल में कलीग भी। मैं अच्छे से जानती हूँ दोनों को। चाची जी, मैं ना आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझती हूँ, पर जितना मैं ध्रुव को जानती हूँ ना, अगर उसका कुछ काम करने का मन नहीं है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ध्रुव वो काम नहीं करेगा। इस तरह जबरदस्ती हो शादी, I mean, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। ऐसे कैसे कुछ उल्टा सीधा कर ले को? बेटा है हमारी ममता का सुरक्षा कवच। उसे तारा के जाल में फंसने नहीं देगा। सुशीला, अपनी ममता और तारा को बीच में आड़े मत लाओ। आज शाम को ध्रुव से मिलने लड़की वाले आ रहे हैं। हंस के चाहे रो के आप लोग उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। लड़की और उसके घर वाले हमें तो पसंद है। उन्हें भी मिलके सब कुछ ठीक लगा तो रिश्ता आज ही पक्का हो जाएगा। हे माधव सरकार, क्या हो गया ऐसे? अपनी खुशी के लिए अपने घर वालों को दिल नहीं दुखा सकता मैं, और मैंने डिसाइड किया है आयशा कि मैं तुम्हें हाँ नहीं कह रहा हूँ। तो जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। आयशा, तू अभी कह रही थी ना कि तू ध्रुव की भाभी बाद में है, दोस्त पहले, तो अब तेरी जिम्मेदारी हो गई डबल, दोस्त की भी और भाभी की भी। जब लड़की वाले आए तो ध्रुव उनसे आके खुशी खुशी मिले, उसे मनाना तेरा काम। ये शादी नहीं हो सकती, मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। हमारी बात सुनो सुशीला। देखो सुशीला, शाम को जब लड़की वाले आए तो जे खतरे की घंटी यहाँ नाए तनतनानी चाहिए। जे मोड़ी बला की खूबसूरत है और बला भी है। कछु करो, जाको थोड़ा तो अभी निकाल लेंगे भाभी। जले पकड़। जी, बाजार से कुछ लाना है? तू रख ले। शाम को जब लड़की वाले आए उससे पहले घर को सारो काम निपटा के तू बाहर जा, और जब तक वो चले ना जाए तू आना मत। वो शुभ काम के लिए आ रहे, उनके सामने अब सगुन बन के खड़ी ना हो जाना। सुशीला, विद्या देवी जी, वो माँ है, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। माँ की वाणी में भले कटू, परंतु उनकी कथन में अपने बच्चों का हमेशा हित ही होता है। कांग्रेट्स डॉक्टर ध्रुव, तुमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इतनी आसानी से कंप्लीट कर दिया। यू आर टू गुड यार। संत कबीर कहते हैं, जो मन से हारे वो सब हारे, और जिनका मन अच्छा उनकी सब में जीत। इसलिए तुम भी अपना मन व्यतीत मत करो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव। थैंक यू तारा, अगर तुम मुझसे बात करके मुझे कूल डाउन नहीं करती तो शायद आज ये सर्जरी मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता। ध्रुव, आई एम सॉरी, आई नो मेरी वजह से तुम ये पूरे शादी के चक्कर में फंस गए हो, पर मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई सी, तो बेसिकली तुम मेरी मदद नहीं खुद की मदद करना चाहती हो, इसलिए मन किया ना मुझे शादी से बचाने के लिए तुम्हारा। तुमने कहा था जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करोगे, तो मैं बस तुम्हारा किया हुआ वादा निभाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैंने उसका तरीका सोच लिया। आज तुम लड़की वालों से मिलने घर मत आना। मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हें नहीं मना पाई, चाची की डांट मैं सुन लूंगी। थैंक्स, बट नो थैंक्स। तुम्हें और माँ को जो करना था आप लोगों ने कर दिया। अभी मेरी शादी है, जो करना है मैं करूँगा। पर ध्रुव, तुम करोगे क्या? जी, सारे व्यंजन हमने तैयार कर दिए हैं और मिष्ठान भी। अच्छा होगा जी, शाबाश। अब निकलो। अरे मोड़ी, मेहमान आते ही होंगे, निकलो। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है डॉक्टर साहब, बहुत आभारी हैं हम आपके। आपको कभी भी कछु भी चाहिए हो तो हमारे जनरल स्टोर नवरंग वन की सेवाएं लें। आप तो बस आदेश कर दें, सब हाजिर है जाएगा। धन्यवाद। क्या तुम हमारे लिए नवरंग वन ढूंढ दोगे? हे कान्हा जी, चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव की माता श्री हमें जरा भी पसंद नहीं करती। हमें भी अपने भाई जी की, अपनी माताश्री की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है। हमें भी अपने घर जाना। एक बार नवरंग वन का मार्ग मिल जाए तो हम अपने वल्लभगढ़ वापस चले जाएं। कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए, चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को जल्द से जल्द नवरंग वन का मार्ग मिल जाए। एक्सक्यूज मी बाप, आप नवरंग वन के बारे में बात कर रहे थे, इस जगह के बारे में आप कुछ जानते? शक्ति को मंदिर है, हमारी तो बड़ी श्रद्धा है। हमने तो अपनी दुकान को नाम भी हमने वाई के नाम पे रखो है, नवरंग वन जनरल स्टोर। अब एक सेकंड में ना आपसे, तो ये अपने ये पिलर्स देखे आपने कहीं? हाँ है तो, पर एक ना है, ऐसे तो कई होते हैं। नवरंग वन में ऐसे ही समय, ऐसे पांच समय, यदि ये मिल गया तो बाकी सब अवश्य मिलेगा। अच्छा, मैंने तो पूरा इंटरनेट छान मारा, लोगों से भी बात की, ट्रैवल एजेंसी से भी पूछा, किसको क्यों नहीं पता इसके बारे में। अरे छोटी सी जगह है, ज्यादा लोग ना जानते उसके बारे में। आप इच्छुक लग रहे हैं, मैं आपको ये पता लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे होते हैं। ये लो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तारा को घर पहुंची बताता हूँ, नवरंग वन के बारे में पता चल गया, बहुत कुछ हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.